सब्सक्राइब करें रियल सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल सपोर्ट पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीटीसी के बारे में पूरा जानकारी दूंगा कि बीटीसी के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और बीटीसी क्या है और भी बीटीसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप इसे एंड तक देखिए और इसका लाभ लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना कठिन होता है, खास करके प्राइमरी लेवल के बच्चों को। तो इसके लिए सरकार ने कई ऐसे कोर्स चालू किए हैं कि जो आपको प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसी में से एक है दोस्तों बीटीसी को दोस्तों इस समय डीएलएड के नाम में जो है परिवर्तित कर दिया गया है बीटीसी को। तो दोस्तों बीटीसी में आप अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है कम से कम आपका ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है तो ही आप बीटीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और बीटीसी में दोस्तों जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है उसमें आपको मेरिट के आधार पर लिया जाता है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के परसेंटेज को जोड़ करके आपका मेरिट बनाया जाता है। उसी के आधार पर आपका एडमिशन जो है डायरेक्ट कॉलेज में होता है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में। दोस्तों बीटीसी में जो है मेरिट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आपको जो है एक ही में ना मेरिट बनाते हुए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपका मेरिट बनता है। और दोस्तों जब भी आप इसमें जो बीटीसी का फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से करते हैं अप्लाई, लेकिन वो होम डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई तो करते हैं लेकिन वो सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरिट जब बनता है तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है एडमिशन अपना करा सकते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था बीटीसी और बीएड के बारे में कि आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों उसमें जो है कई लोगों का ये पूछना था कि सर अगर मैं बीटीसी जो है वो प्राइवेट कॉलेज से कर लूँ तो क्या मुझे सरकारी नौकरी के लिए जब आवेदन आएगा तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि आप अगर बीटीसी प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी संस्था से आप किए रहेंगे तो आपका बीटीसी की डिग्री की वही मान्यता है जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज से, यानी कि अगर आप बीटीसी जो है वो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको सेम वही उसका जो है मान्यता रहेगा जो आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जो है बीटीसी प्राइवेट से करिए या गवर्नमेंट से करिए, आपको टीईटी का एग्ज़ाम तो दोस्तों देना ही पड़ेगा। अगर आप टीईटी क्वालिफाइड हैं तभी आप जो है गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, खास करके यूपी बीटीसी के। तो मैं आपको बता दूं कि बीटीसी प्राइवेट और गवर्नमेंट में अंतर जो है वो सिर्फ आपका जो है प्राइवेट में जो है फ़ीस ज़्यादा रहता है और गवर्नमेंट कॉलेज में जो है फ़ीस कम रहता है। सिर्फ यही डिफरेंस है आपका दोस्तों प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी करने में और गवर्नमेंट कॉलेज से करने में। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए कि आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों वो पूर्ण रूप से एकदम 100% आपको गवर्नमेंट सर्विस के लिए आप उसका मतलब यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप जो है बीटीसी के लिए अप्लाई कीजिए, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप जो है वो प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी कर ही लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर इस बार आपका जो है मेरिट में आपका जो है नाम नहीं आ रहा है, आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों अगले साल भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों दिन प्रतिदिन जो है वो मेरिट हाई होती चली जा रही है। दोस्तों आप अपना समय ना गंवाइए और आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा ये सुझाव कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आप पूछना चाहते हैं तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं जितनी भी जानकारी दूँ वो आप तक आसानी से